नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। आप भी सोचेंगे कि आज कितनी बार गुड इवनिंग नमस्कार होगा। फर्टिलिटी दोस्त आज आपके लिए बैक टू बैक सेशंस लेके आ रहे हैं। फर्स्ट टू सेशंस आर कंप्लीटेड एंड नाउ दिस स्पेशल सेशन विद अ स्पेशल लेडी, स्पेशल डॉक्टर, वी कैन से वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम डेली, डॉक्टर निशा भटनागर। हमारे डेली एनसीआर के मेंबर्स जानते हैं डॉक्टर निशा को एंड दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट, फ्यू ऑफ देम आर टेकिंग ट्रीटमेंट्स विद डॉक्टर निशा। कुछ लोगों को सक्सेस भी मिला है। सो आज हम डॉक्टर निशा के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वील डिस्कस अबाउट के अगर हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है देन व्हाट नेक्स्ट। फेल्ड आईवीएफ तो सबको लगता है क्यों हुआ ऐसे, क्या गलत कर दिया मैंने, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो नेक्स्ट ऐसा मैं क्या करूं कि जो मेरा नेक्स्ट ट्रांसफर है या मेरा नेक्स्ट ट्यूमुलेशन है या मेरा नेक्स्ट साइकिल है वो सक्सेस हो। सो वील डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद हर एंड फॉर दिस स्पेशल वंडरफुल सेशन आई वुड लव टू थैंक शील फार्मा फॉर दिस। इतने सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस हम फर्टिलिटी दोस्त, आपके दोस्त लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सो आपके कुछ भी सवाल, कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस मेन टॉपिक के फेल्ड आईवीएफ एंड व्हाट नेक्स्ट, सो प्लीज स्टार्ट पोरिंग इन योर क्वेरीज। देर मत कीजिएगा, आप अपने कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते बिकॉज हम फेसबुक पे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी फैमिली को पता चल जाएगा या लोगों को पता चल जाएगा व्हाट आई एम डूइंग, सो प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन आवर ऑफिशियल नंबर और हम आपके क्वेश्चंस, हम आपकी क्वेरीज एज अ एनोनिमस क्वेरी पूछ लेंगे अपने सेशन में। बट यस, सेशन को देखिएगा जरूर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट टाइम्स हम एक के बाद एक आईवीएफ साइकिल करवाते रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या वो छोटी सी गलती जो अटक गई, ऐसा कुछ जो हम कर लेते तो ये सक्सेस हो जाता, ऐसा कुछ, कोई सिंपल टेस्ट, कोई सिंपल प्रोसीजर, कुछ भी जो कहीं ना कहीं छूट गया इस पूरे प्रोसीजर में। तो आज हम डॉक्टर निशा के साथ वही सब डिस्कस करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड डॉक्टर निशा टू द मेन स्क्रीन। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशा भटनागर, अवेयर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिल्ली से। सो सबसे पहले पूर्णिमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड शील केयर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि पूर्णिमा ने पहले ही बताया कि हम आज बात करेंगे आईवीएफ फेलियर, अगर मेरा एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गया है तो मैं इसके बाद में क्या कर सकती हूँ। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास प्रीवियस फेलियर हिस्ट्री लेकर के आते हैं और उनको ये समझ ही नहीं आया होता कि मेरा फेलियर क्यों हुआ। सबसे मेन क्वेश्चन जो पेशेंट यही पूछना चाहता है कि क्या हुआ, क्यों मेरा फेल हुआ, क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस डिटेल में समझाऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या गलत हुआ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आईवीएफ फेलियर मतलब एंड ऑफ द रोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एक साइकिल फेल हो गया तो कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती या आप उसके लिए कुछ और नहीं कर सकते या आईवीएफ एक फेलियर होने के बाद में आप थक हार के बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने रिप्रोडक्शन को बनाया ही इस तरीके से है कि रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव फिनोमेना। वो बहुत ज्यादा हर बार सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल कपल्स जिनके अपने बच्चे होते हैं उनको भी एक साल तक रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं तो कभी 20% लोग प्रेग्नेंट हो पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल आईवीएफ हमारी, बल्कि आईवीएफ तो फिर भी आप 40-50% लोग उससे एक साइकिल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो कंपेयर टू नेचुरल, जस्ट बिकॉज नेचुरल आप घर पे करते हैं कोई वो नहीं लगता, आपको पता नहीं चलता, इसलिए आपको एहसास नहीं होता, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर इंसान अलग होता है, हर एक का शरीर अलग होता है, किसी का किसी से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता, बल्कि एक इंसान की भी डिफरेंट साइकिल्स डिफरेंट तरीके से होती हैं। मतलब आपकी जो जनवरी में साइकिल हुई वही फरवरी में या मार्च में होगी, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, तो जरूरी नहीं है कि एक साइकिल में आपको कामयाबी नहीं मिली तो अगली में भी नहीं मिलेगी। इवन एक साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट एग्स भी, हर एग, हर स्पर्म अलग है। सो डोंट गिव अप होप, अगर एक फेलियर हुआ है, वी ट्राई टू एनालाइज दैट साइकिल एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे किसी पौधे को उगाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए,
हमें अच्छा बीज चाहिए, हमें अच्छी जमीन चाहिए और हमें अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए। सेम तरीके से प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। हमें अच्छा एम्ब्रियो चाहिए, हमें अच्छा यूट्रस और उसकी लाइनिंग चाहिए और हमें अच्छा बॉडी का एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, सो अब इन तीन चीज़ों का अगर हमें पता चल गया कि हमें तीन चीज़ें चाहिए, तो सेम तरीके से उन तीन चीज़ों का कारण भी होगा कि अगर सपोज हमारा एम्ब्रियो ठीक नहीं है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर यूट्रस ठीक नहीं है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब जो एग और स्पर्म को मिला करके बनता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो अगर आपका IVF फेलियर हुआ है तो प्रॉब्लम या तो एम्ब्रियो में है या यूट्रस में या एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, मतलब एग, स्पर्म एंड लैब, तीन चीजें हैं। जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्या कारण हो सकता है, या तो एग में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकती है या लैब में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम स्टेप वाइज इन तीनों के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग फर्स्ट। अगर हम सबसे पहले एग की बात करें तो उसको जानने के लिए या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि आपका AMH कितना है, आपका AMH का लेवल कितना था, आपकी एज कितनी है, बिकॉज आपका एग की क्वालिटी आपकी एज से रिलेटेड है। नंबर टू, क्या आपका AFC कितना था, एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना था, क्या आपकी ओवरीज में अच्छे नंबर ऑफ एग्स थे, नंबर वन। नंबर टू, आपको कई बार ऐसा होता है कि एग्स अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, मगर बहुत ज़्यादा हाई डोज स्टिमुलेशन दे दी जाती है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो देन एनालाइज कीजिए कि आपकी स्टिमुलेशन कैसी थी, क्या आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन मिले थे, क्या बहुत हाई डोज था, क्या वो इंजेक्शन आपके लिए सफिशेंट नहीं थे, किस तरह की प्रोटोकॉल यूज की गई थी, क्या वो प्रोटोकॉल आपके लिए ठीक थी, नंबर टू। फिर आप ये देखिए कि आपका नंबर ऑफ एग्स कितने मिले थे और उसमें से मैच्योर कितने थे, ये हमें बताता है। अगर हमारा नंबर ऑफ एग्स और नंबर ऑफ मैच्योर एग्स इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो दैट टेल्स अस दैट कि स्टिमुलेशन वॉज गुड, इट वॉज ऑप्टिमम। ठीक है, फिर हम उसमें से देखेंगे कि नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ मैच्योर एग्स एंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कितना बना। ठीक है, क्या आपके नंबर ऑफ एग्स और नंबर ऑफ एम्ब्रियो का रेशियो ठीक है, नंबर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, क्या आप Day 3 से Day 5 तक गए थे। अगर आपका पहली बार ट्रांसफर हुआ और वो Day 2 या Day 3 एम्ब्रियो था, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपका Day 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफर इस बार होना चाहिए, बिकॉज Day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, और सबसे बड़ी बात, अगर आपका रिपीटेड आपको अच्छे ब्लास्टोसिस्ट मिल रहे हैं लेकिन आपका ट्रांसफर होने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एज फार एज एम्ब्रियो इज कंसर्न, यू मे ऑप्ट फॉर PGS। PGS मतलब प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग, जिसमें हम ये एम्ब्रियो को चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग अच्छा था, स्पर्म अच्छा था, मगर जब वो एम्ब्रियो बना रहा है तो उसके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन या कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, सो PGS इज रिकमेंडेड। सो मैं फिर से बोलूंगी, एग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एज चेक कीजिए, प्रोटोकॉल चेक कीजिए, आपका AFC चेक कीजिए, आपका AMH चेक कीजिए और आपके नंबर ऑफ एग्स और एम्ब्रियोज चेक कीजिए। Day 5 ब्लास्टोसिस्ट होना ज्यादा अच्छा है। अब एम्ब्रियो के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्पर्म। ठीक है, सो अब हम स्पर्म के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, ये तो बिल्कुल बेसिक टेस्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपका रिपीटेड फेलियर हो रहा है या एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा, तो आपको जानना चाहिए कि क्या DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स स्पर्म का हाई तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो अच्छा एम्ब्रियो नहीं बना पा रहा। ठीक है, दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए। तो हमारी लैब में कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम बेस्ट मिनिमल होने के चांसेस होते हैं। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में किसी और सेशन में बताऊंगी। सो स्पर्म के बारे में आप सबसे पहले ये चेक कीजिए, अगेन एग और स्पर्म दोनों में जो महत्व रखता है वो है लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते बहुत ज्यादा, ड्रिंकिंग तो नहीं करते बहुत ज्यादा, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, क्या आप ठीक से सोते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप न्यूट्रिशन ठीक से लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल एक रीजन रह सकता है जिसकी वजह से आपके एग या स्पर्म अच्छे नहीं मिले, तो प्लीज इंप्रूव ऑन योर लाइफस्टाइल, प्लीज स्टार्ट डूइंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, प्लीज ईट हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, चैन से सोइए, थोड़ा सा
टेंशन का, स्ट्रेस का लेवल कम कीजिए और फिर उसके बाद में ट्राई कीजिए. देन लैब, एज फार एज लैब इज कंसर्न्ड, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपके सारे एम्ब्रियोज वहीं पे क्रिएट हो रहे हैं. ये चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लैब में उस टाइम पे कोई दिक्कत आई जिसकी वजह से आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना. क्या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर थी, क्या इंक्यूबेटर्स ठीक थे, क्या मीडिया ठीक यूज किया गया था. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी ये जानने के लिए कि क्या और रीजन था जिसके जिसकी वजह से आपका फेलियर हुआ. सो एज फार एज एम्ब्रियो इज कंसर्न, अगर आपका स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल ऑप्टिमम था, या आप एक सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं. अगर एक तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिला, मे बी यू नीड टू चेंज सम अदर प्रोटोकॉल, ट्राई सम अदर वे, मे बी यू नीड टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन ऑल्सो. ठीक है, अब हम बात करेंगे यूट्रस की. अगर मैं यूट्रस की बात करती हूँ तो यूट्रस के अंदर रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर में कई बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हिस्ट्रोस्कोपी. एक सिंपल कैमरा अंदर डाल के हम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एडेशंस बने हैं या कोई सेप्टम है जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा. कई बार ऐसा होता है कि छोटा मोटा हाइड्रोसेल्फिंग्स होता है जिसकी वजह से वो फ्लूड आता है और एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता. या कई बार ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपका एनवायरमेंट, यूट्रस और उसका इम्प्लांटेशन रेट अफेक्टेड होता है. तो अगर हमारा एक हमने अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ब्लास्टोसिस्ट हमने अच्छा ट्रांसफर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप हिस्ट्रोस्कोपी करवाइए. हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है आपकी यूट्रस के अंदर की कैविटी देखी जाएगी. देन एक सिंपल चीज, एक 3D स्कैन यूट्रस का, जिसके अंदर हम डॉपलर फ्लोज देखते हैं, हम एंडोमेट्रियम की वॉल्यूम देखते हैं कि वो कितनी है, उसका ब्लड फ्लो कितना है, क्या जोन 3 तक ब्लड फ्लो जा रहा है, क्या अंदर तक एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो जा रहा है, जो कि यूट्रस को इम्प्लांट, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में मदद करता है. तो हम ये चीजें देखते हैं. उसके बाद में अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि आपका एम्ब्रियो एक साइकिल में क्रिएट किया जाए और उसके बाद में आपको ल्यूपराइड डिपो लगा करके यूट्रस को, ओवरीज को सप्रेस करके, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके फिर नेक्स्ट साइकिल में आपका ट्रांसफर किया जाए. कई लोगों को अगर बड़ी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो उसको जो है रिमूव भी करवाना पड़ता है. अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स है तो उसको क्लिपिंग भी करवाना पड़ता है. तो ये सारी चीजें हमारे यूट्रस के अंदर आती हैं. फिर से मैं जीरो इन करूंगी. नंबर वन हिस्ट्रोस्कोपी, देन 3D स्कैन अगर जरूरत है तो, वैस्कुलैरिटी, ब्लड फ्लो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो रीसेंट दिनों में हमने देखा है, कई बार हमने देखा कि लाइनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमने बहुत अच्छा D5 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर किया लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला. तो इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो रहा है. तो ये एक छोटी सी चीज है कि यूट्रस एक एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें इम्प्लांटेशन हमेशा नहीं होता है. देयर इज अ स्मॉल विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन. इस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन में ही सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर मैं इस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन से बाहर रह करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करूंगी तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जनरली हम एक 5 डेज के एम्ब्रियो के लिए 5 डेज का प्रोजेस्ट्रॉन देकर के हम ट्रांसफर करते हैं. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा कि कई लोगों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल जैसे यूज की गई अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद में भी, तो हमने देखा कि इम्प्लांट नहीं हुआ, तो हमने उनका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन निकालने की कोशिश की. इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट रहता है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे और एरा टेस्ट. ठीक है, सो जब हमने ये एरा टेस्ट किया, हमने देखा कि विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन 120 घंटे की बजाय किसी किसी की 134 घंटे थी, या 136 घंटे, 134 आवर्स, 136 आवर्स, 140 आवर्स. एक लेडी की विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन 170 आवर्स थी. ठीक है, इसका मतलब अगर ये सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मैं अगर नॉर्मल तरीके से 5 डेज का प्रोजेस्ट्रॉन देके इनका ट्रांसफर करूंगी तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, सो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर आपका रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर है, अगर हमने अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है और हमने फिर भी वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, तो हम एक छोटा सा टेस्ट करके एरा, फिर हम आपका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन निकालते हैं और हम पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं. मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, 10 में से 9 पेशेंट को ये करने के बाद में हमें सक्सेस मिला. ठीक है, सो आप अगर आपको रिपीट इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है तो यू कैन एक्ट ऑप्ट फॉर द एरा टेस्ट एंड देन प्लान अ ट्रांसफर फॉर यू. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट चीज जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट.
अगर हमने सब कुछ अच्छा दिया है, अगर हमने प्लांट को एनवायरमेंट, हमने सॉइल भी बहुत अच्छा दिया, न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा दिया, पानी भी हमने बहुत अच्छा दिया, बीज भी हमने बहुत अच्छा दिया, लेकिन उसको जितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है हमने वो नहीं दी, या जितना उसको जो एयर का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था वो हमने नहीं दिया, तो क्या ऐसा प्लांट ग्रो हो पाएगा? नहीं। इवन अगर ग्रो होगा भी तो भी वो बहुत अच्छा ट्री नहीं बन पाएगा। सो एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप जंक खाते रहें और आप कहें कि डॉक्टर ने हमारे को रिजल्ट नहीं मिला, हमने IVF कराया हमें रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, आपको वॉक करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई वुड टेल यू दैट फर्टिलिटी दोस्त इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दैट, इज फर्टिलिटी मसाजेस। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू योर यूट्राइन ऑर्गन्स, दैट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द यूट्रस। गो फॉर दोज फर्टिलिटी मसाजेस, डू एक्यूप्रेशर, डू एक्यूपंक्चर, डू वॉक, डू योगा, डू एक्सरसाइज, इंप्रूव द इंटरनल एनवायरमेंट, एंड देन सी, मे बी दिस टाइम इट विल वर्क। अनदर थिंग विच आई एम अबाउट टू टेल इज कि कई बार ये सब कुछ आप कर रहे होते हो, आप अच्छा खा रहे होते हो, आप अच्छा पी रहे होते हो, आप योगा भी कर रहे होते हो, आप वॉक भी कर रहे होते हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हो, इवन ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर, दो इट इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल, बट देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या रहता है कि हम आपकी बॉडी में ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन डालते हैं जो कि आपकी बॉडी में एम्ब्रियो को एज अ ग्राफ्ट एक्सेप्ट करने में मदद करते हैं। इसमें कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, कुछ लिपिड ट्रांसफ्यूजन होते हैं जो कि आपके ट्रांसफर से एक महीना पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसके साथ में आपको आपको वीकली आपको वो इन्फ्यूजन दिए जाते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि कई रिपीट फेलियर के केसेस में जस्ट बाय गिविंग दिस इम्यूनोथेरेपी द चांसेस ऑफ सक्सेस आर इंक्रीज्ड। ओके, लास्टली आई विल टेल यू वन थिंग, दैट सब कुछ करने के बावजूद भी साइंस इज स्टिल इनकम्प्लीट, साइंस इज स्टिल सर्चिंग विद दिस। इनफर्टिलिटी इज अ लेटेस्ट थिंग, इट इज जस्ट इन 20 years दैट इट हैज इंक्रीज, द इंसिडेंस हैज इंक्रीज सो मच। हो सकता है कि अगले 2 साल के बाद रिसर्च आए कि अगर आप ये करते तो इंक्रीज हो जाता, या आप ये, सो डोंट गिव अप होप, डोंट फील दैट यू नो पता ही नहीं चल पा रहा है। जस्ट डू ऑल दीज थिंग्स, स्टे पॉजिटिव, ट्राई टू वर्क ऑन योर बॉडी, ट्राई, डोंट थिंक दैट वन IVF फेलियर इज नॉट योर फेलियर, इट्स जस्ट वन अटेम्प्ट विच हैज फेल्ड। यू वर्क ऑन दीज थिंग्स, ट्राई टू इम्प्रूव योर, टेक अ सेकेंड ओपिनियन, ट्राई टू डू ऑल दीज वॉक योगा एक्सरसाइज, ट्राई टू इम्प्रूव योर एग क्वालिटी, ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पर्म क्वालिटी, मेक अनदर सेट ऑफ एम्ब्रियोज, ट्राई वन मोर टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कई बार आपको डोनर गेमेट्स की सहायता लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी में नहीं कैपेबल होता, इट्स ओके, फाइन, डजंट मैटर, इट्स योर बेबी, फाइनली यू वॉन्ट अ बेबी, ऑप्ट फॉर डोनर गेमेट्स इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, मे बी एग डोनर, मे बी स्पर्म डोनर, मे बी एम्ब्रियो डोनेशन। एम्ब्रियो डोनेशन इज एम्ब्रियो क्रिएटेड विद डोनर एग एंड डोनर स्पर्म, विच इज लाइक प्रूवन फर्टिलिटी का डोनर लिया है, प्रूवन फर्टिलिटी का डोनर स्पर्म लिया है, सो दैट ऑल्सो इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस। Last but not the least, I will tell you that just stay positive. Don't give up. Never give up. Ek nahi, do nahi. Kai patients hote hain, kai baar do attempt mein, teen attempt mein success milta hai. If you want a baby, kai baar aisa hota hai ki IVF failure ke baad mein patient spontaneously conceive kar jata hai. You never know. There is always hope. Don't give up hope. Okay? Try and then there is you will have what you want. You will have it. Just take time. Just take patience. Just stay positive. थैंक यू डॉक्टर निशा, ये सबसे बढ़िया था जो आपका एंड का लाइन था, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज यू नो ये जर्नी ही शायद इतनी टायर्सम हो जाती है, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही, राइट, फर्स्ट फेलियर के बाद ही हमको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। सो पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस, वी कैन से व्हेन वी आर इन दिस जर्नी ऑफ IVF, IUI, एंड वी ऑल नो कि कहाँ जाके खत्म होगा नहीं पता। डॉक्टर निशा, वी हैव मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। वी हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट एरा टेस्ट।
So the lady is asking that after day three transfer was failed, and now the doctor is suggesting her for ERA test. So she want to know ki is it really necessary to go for ERA? Because abhi jo uske do embryos hain, they are blastocyst. So okay. Doctor is saying ki aap ERA karwa lijiye, fir transfer pe jaiye. And she was like, it's a costly test, costly procedure. So should I take one more attempt without doing ERA, or should I directly go for ERA and then transfer? Okay, so beta, honestly speaking, ये सब कुछ depend करता है. First of all, अगर ये blastocyst है और blastocyst का grade अच्छा है, तो मैंने जैसे बताया तीन चीजें हैं. या तो हमारे एम्ब्रियो में प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारे यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है. देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर फेलियर. सो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट अच्छे हैं और आपको कोई बाकी आपकी लाइनिंग बहुत अच्छी है, अगर उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है, तो आई वुड सजेस्ट दैट जब आपने इतना सब कुछ किया है, तो एरा करा के अगर आप टेस्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर हमने ये दो ब्लास्टोसिस्ट भी, अगर हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट ज्यादा है, अगर हमारे पास, if what you can do is that there are two options for you. One option is that you do one blastocyst transfer without doing the test. Okay, so आपके पास at least एक blast रह जाएगा, ठीक है? तो आप उसको, क्योंकि अगर हमने दोनों blast transfer कर दिए बिना ERA test किए, तो हम zero पे आ गए. हमको पूरी cycle दोबारा करना पड़ेगा. फिर तो हमारा ज्यादा expenditure लगेगा, ठीक है? उसके बजाय अगर हम एक, हमारे दिमाग से हमें अनसर्टिनिटी एम्ब्रियो के बारे में भी है, हमें अनसर्टिनिटी यूट्रस के बारे में भी है, तो एटलीस्ट अगर हम यूट्रस के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन 134 आवर्स है, तो एटलीस्ट हमारा वो वाला पार्ट चेक इन हो गया, तो वी कैन टेक मोर, वी विल बी मोर पॉजिटिव. इट्स ऑल अबाउट नोइंग एंड नॉट नोइंग. इफ यू फील, इफ यू, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, इफ यू हैव मोर एम्ब्रियोज, देन इट इज एडवाइजेबल कि हम एक या ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि हमारे पास एम्ब्रियो रहे कि बाद में हम टेस्ट करके कर सके. लेकिन अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ एम्ब्रियोज है, देन इट इज एडवाइजेबल दैट यू डू द एरा एंड देन प्लान अ ट्रांसफर. राइट. सो इफ यू आर इन दिस सेशन और आपने सुना कि डॉक्टर निशा ने क्या कहा, देन एज योर डॉक्टर इज ऑल्सो एडवाइजिंग यू टू गो अहेड विद द टेस्ट, सो वी वुड एडवाइज पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर डे फाइव एम्ब्रियोज. डॉक्टर निशा, we started with the egg quality and AMH, we know ke agar kam hai to bahut tension ho jata hai, lagta hai ki what next, and again the next part is AFC. So what exactly could be the number of AFC jisse hame lage ki yes chances hai hamare, aur kya sach mein aisa hota hai ki every month the AFC value changes? So, पूर्णिमा, सबसे पहले हमें एक बेसिक चीज याद रखनी है कि एक प्रेगनेंसी के लिए एक अंडा चाहिए. वी जस्ट नीड वन एग फॉर वन प्रेगनेंसी, वी डोंट नीड मेनी, ठीक है? सो नेचर क्या करता है, हमें ज्यादा क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि नेचर ऑटोमेटिकली पांच छह में से एक को आगे बनाता है, लेकिन हम नेचर नहीं है, हम किसी दूसरे की बॉडी को डील कर रहे हैं, इसलिए हमें वो पांच छह चाहिए होते हैं ताकि हम उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर सके, ठीक है? So, अगर हमारा, इट इज ऑल एज रिलेटेड, अगर आपका नंबर ऑफ एग्स एक या दो है एट 28-29 ईयर्स ऑफ एज, इट इज वेरी मच डिफरेंट देन एक और दो एट 40 प्लस ईयर्स ऑफ एज. ओके, सो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर आप यंग हैं तो आपके चांसेस हायर हैं, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके चांसेस कम है. अगर आपको नॉर्मली अराउंड 25-26 ईयर्स ऑफ एज, वी सी 5-6 follicles in both the ovaries. That is the optimum number. AMH should be around 2.5 to 3. That is very good. But as the age increases, at 35, having 2-3 follicles in each ovary is okay. Okay? But okay. Again, you need to understand ki duration kya hai. Agar koi couple humare paas aaya hai, jinki shaadi 25 saal ki umar mein ho gayi thi, और आज वो 12 साल बाद हमारे पास आए हैं और हम AFC और AMH पे अटके हुए हैं, तो दैट इज, देयर हैज टू बी सम अदर रीजन, बिकॉज 25 साल की उम्र में उनका AFC और AMH बहुत अच्छा था, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई. सो देयर हैज टू बी, बट देयर इज अ कपल हु इज मैरिड एट 35 इयर्स ऑफ एज, मैरिड फॉर से ओनली 4 मंथ्स ऑफ मैरिज इज देयर, देन इन दैट केस इवन वन और टू एग्स इज मोर देन एनफ.
यू डोंट नीड टू गो फॉर मल्टीपल दिस थिंग, जस्ट डू अ मिनिमल स्टिमुलेशन, अ नेचुरल साइकिल IVF, डू अ क्लोमिड साइकिल, गेट दोज टू एग्स एंड सी व्हाट द एम्ब्रियो इज एंड देन यू कैन प्लान अ ट्रांसफर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक टू थिंग्स. नंबर वन, एज कितना है. नंबर टू, शादी को कितना समय हुआ है, कितने समय से वो एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. एंड एज वी ऑल नो दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, अगर किसी पे प्रोटोकॉल भी डिफरेंट यूज होंगे. डॉक्टर निशा, आजकल बहुत सारे केसेस में जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग देयर यूट्रस फॉर फ्रोजन ट्रांसफर, तो यूट्रस की लाइनिंग का रिस्पॉन्ड इज नॉट गुड. और अगर वो सारा मेडिकेशन छोड़ के स्कैन करते हैं तो यूट्रस की लाइनिंग अच्छी ग्रो होती है. दैट्स व्हाट वी से, रीजन नेचुरल साइकिल ट्रांसफर. सो इन दोस केसेस यू कैन डू अ नेचुरल साइकिल ट्रांसफर, मतलब वही एक एग बनेगा आपका. एक्चुअली कई बार टू मच ऑफ मेडिकेशन अफेक्ट्स योर बॉडी. एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, इतनी दवाइयां खाकर कुछ कुछ की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है मेडिसिन को. रादर यू हैव यू नो, जब हम ओरली मेडिसिन देते हैं तो दे गो थ्रू द लिवर बायपास. सो अगर आपका लिवर बायपास ठीक नहीं है और सब तो सफिशियंट नंबर ऑफ हॉर्मोन्स पहुंच ही नहीं पाता यूट्रस तक, तो लाइनिंग अच्छी नहीं बनती. लेकिन जब एग नॉर्मल बन के हॉर्मोन्स बना रहा है, द एग सिक्रीट्स द हॉर्मोन विच एक्ट्स ऑन द यूट्रस टू प्रिपेयर द लाइनिंग. सो वो तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ब्लड में सिक्रीट हो रहा है और वो डायरेक्टली बिना लीवर के बायपास के यूट्रस में पहुंच रहा है. एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हेयर कम्स द रोल ऑफ फर्टिलिटी मसाजेज एंड योगा. ओके, those who are not doing yoga, those जिनकी body stiff है, जिनका blood flow uterus को अच्छा नहीं है, तो उनमें कई बार lining बनने की दिक्कत आती है. लेकिन अगर आप blood flow अच्छा करते हैं uterus की तरफ, अगर आप fertility massages करते हैं, exercises करते हैं, simple exercises like कपाल भारती, ताड़ासन और butterfly poses, so that increases the blood flow to the uterus and genitals and that increases the uterine endometrium thickness as well as vascularity. सो डॉक्टर निशा, यू वुड सजेस्ट दैट उसको जाना चाहिए नेचुरल साइकिल ट्रांसफर. नेचुरल साइकिल ट्रांसफर, यस. ओके, राइट. एंड बहुत केसेस ऐसे भी देखने में आए कि एडवांस्ड एज एंड लो AMH, देन आल्सो डॉक्टर इज सजेस्टिंग टू गो अहेड विद अ नेचुरल IVF. सो पीपल आर सेइंग कि अगर नेचुरल ही करना है तो क्यों IVF, मतलब क्यों हम स्पेशलिस्ट के पास जाएं? आई विल टेल यू. So what happens is that, what do we mean by natural IVF? Normally क्या रहता है बॉडी में, यहाँ पे दो फैक्टर्स है. नॉर्मली हर महीने एक एग बनता है और एक एग बनने के बाद में रिलीज होता है. वो एक एग बॉडी आउट ऑफ 3-4 वट एवर आर देयर उसमें से एक एग सेलेक्ट करती है. अब इसमें जैसे 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 हमारा AMH कम होता चला जाता है, वैसे वैसे ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल का जो कॉन्कॉर्डेंस है वो बिगड़ता चला जाता है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक साइक्लिकल फिनोमेना में जैसे जैसे आपका स्लोली आपका एग बनता है और स्लोली आपकी लाइनिंग रेडी होती है, तो बाय 14th डे जब आपका एग रेडी होता है, आपकी लाइनिंग रप्चर के लिए रेडी होता है, आपकी लाइनिंग भी रेडी होती है. ठीक है, यहाँ पे एग रप्चर हुआ, फर्टिलाइज हुआ और आकर के इम्प्लांट हो गया. लेकिन जब आपका AMH कम हो जाता है तो ये कॉन्कॉर्डेंस बिगड़ जाता है, आपका लाइनिंग बहुत जल्दी रेडी हो जाता, आपका एग बहुत जल्दी रेडी हो जाता है. आपने देखा होगा छठे साते छठे सातवें आठवें दिन पे एग रेडी हो जाता है. राइट, राइट. एग रेडी हो गया, आपका यूट्रस का लाइनिंग आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन उसमें सारे, जस्ट अ सेकेंड, आप पानी पी लीजिए. हाँ जी. So, उसका लाइनिंग जो लाइनिंग रेडी नहीं हुआ, उसमें ब्लड फ्लो पूरा नहीं आया, ये इधर एग होकर के रेडी, रप्चर होकर के फर्टिलाइज भी हो गया, बट जब इम्प्लांट होने के लिए आया तो लाइनिंग रेडी नहीं. नेचुरल साइकिल IVF में दूसरा फैक्टर ये है, नेचुरल साइकिल IVF में हम डिस्कॉर्डेंस को खत्म करते हैं. जैसे ही एग रेडी हुआ हम उस एग को पिक कर लेते हैं. कई बार मैंने देखा है कि पीरियड के 3rd या 4th डे पे जब लेडी आती है तो एक बहुत बड़ा एग बना हुआ होता है, तो जैसे ही एग रेडी होता है हम उस एग को पिक कर लेते हैं और एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर देते हैं. फिर उस साइकिल में हम ट्रांसफर नहीं करते, हम उसकी ब्लीडिंग आने देते हैं. फिर नेक्स्ट साइकिल में हम प्रॉपर तरीके से लाइनिंग को रेडी करते हैं
12 13 दिन लगा के जब लाइनिंग बन जाती है, ब्लड फ्लो आ जाता है, तब हम प्रोजेस्टेरॉन देकर के उसको ट्रांसफर करते हैं और वो सक्सेस में रिजल्ट करता है। ठीक है, ओके राइट। सेकंड चीज ये है कि अगर तो ओवरीज के अंदर ज्यादा एग हैं, तब आपको फायदा है कि आप उसको जो है इंजेक्शन दीजिए ताकि आपको एक साथ 5 6 7 एग मिल जाए। लेकिन अगर 60,000 के इंजेक्शन लगा के भी मुझे 2 एग मिलने वाले हैं और 100 रुपीज की क्लोमिड खिला के भी मुझे 2 एग्स मिलने वाले हैं, तो दिस इज मच बेटर। नो, आई वुड रादर गिव अ क्लोमिड साइकिल टू द पेशेंट। आई वुड नॉट गिव 60,000 वर्थ ऑफ इंजेक्शन देन, बिकॉज ये 60,000 वर्थ इंजेक्शन आपको देंगे वो ही 2 एग्स, लेकिन उनकी क्वालिटी बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ मेडिसिन इंजेक्शन कॉम्प्रोमाइज होगी। ओके राइट राइट अंडरस्टूड राइट 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 सो आई थिंक यही है प्रॉपर राइट राइट तभी यूजली डॉक्टर सजेस्ट। बिल्कुल ठीक थी। सो व्यूअर्स डोंट मिसअंडरस्टूड बिटवीन स्टिमुलेशन वाला साइकिल एंड नेचुरल वाला साइकिल, बिकॉज दोनों का इफेक्टिवनेस इज डिफरेंट एंड आपकी बॉडी के पैरामीटर्स कैसे हैं, हाउ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिएक्टिंग टू डिफरेंट स्टिमुलेशन, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। डॉक्टर निशा, यूजली ये होता है कि मुझे तो इतना इंजेक्शन दिया गया, दूसरे वाले को इतना दिया गया, तो ऐसा क्यों? और एट टाइम्स ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का शरीर अलग है, हर एक का रिस्पॉन्स अलग है, एंड आई बिलीव इन लेस इज मच मोर, लेस इज बेटर, less gives you quality more, so always go for less medicine, less injections. And Dr. Nisha, aapka to naam bhi famous hai mini IVF ke saath. Even in our community also people usually search ke Dr. Nisha Bhatnagar, acha wo mini IVF wale. So we can easily say, and aapke saath hamare khud ke members ko bahut acche positive results mile hain, so we can say that yes, natural cycle, minimum IVF अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर निशा, वी हैव अनदर क्वेरी रिलेटेड टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग। यूजली ये बहुत मुश्किल, आई डोंट नो व्हाई दीज डेज दीज थिंग्स आर हैपनिंग, कि प्रॉपर सब कुछ लोग कर रहे हैं देन आल्सो उनकी लाइनिंग ग्रो नहीं हो रही। तो एट टाइम्स डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग कि ठीक है आप 7 mm में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, एक रेंज क्या है? आई थिंक 7 to 11 mm इज गुड, 7 to 11, 7 mm पहुंच गया है, वास्कुलैरिटी अच्छा है, बट आप बात 6.5 या 6 या 7 की नहीं है, बात उसमें ब्लड फ्लो कितना जा रहा है उसकी है, तो आप 7 mm में कर लीजिए, पानी देते 7 mm में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसमें वैस्कुलैरिटी अच्छी होनी चाहिए। और वैस्कुलैरिटी कैसे अच्छी होगी? वॉक, योगा, एक्सरसाइज, मेरे 3 ही मंत्र है, वॉक, योगा, एक्सरसाइज। जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप योगा करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपके चांसेस बेटर हैं, उतना आपकी पॉसिबिलिटी बेटर है, उतना आपका सक्सेस का। एंड नॉट ओनली प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन के बाद भी। एंड एज डॉक्टर निशा इज सजेस्टिंग, प्लीज डू चेक आवर वेबसाइट, डू चेक विद अस, डू कॉल अस, मैसेज अस टू नो मोर अबाउट दीज fertility yoga, fertility nutrition, fertility massages, fertility acupressure. Hanji doctor. Usually ma'am, one very important query we received, that how to decide between IUI and IVF. The lady's age is 33 years and her AMH is 1.5. So few doctors, like she is visiting the doctor, so few doctors suggested her 2 to 3 cycles of IUI, and few are suggesting ki nahi, since you are approaching 35, then we would suggest that direct IVF is much better option. So she is confused between the two. IUI, IVF, हमें करने के लिए हमारे 3 deciding factor रहेंगे। Number 1, आपका semen parameter कैसा है, ठीक है, सबसे important चीज़। आपका जो है, अगर सिमेन एनालिसिस अच्छा है, काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छा है, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर आपकी ट्यूब्स का क्या स्टेटस है। अगर आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब्स खुली हुई होती हैं लेकिन फंक्शनल नहीं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब हैज सम किंकिंग और समथिंग और सम एडिशन समथिंग। सो मैं ये कहूंगी कि 3 पैरामीटर रहेंगे। नंबर 1 सिमेन एनालिसिस, अगर आपका काउंट और मोटिलिटी बहुत अच्छा है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग इंटरकोर्स एट होम एंड IUI, ठीक है।
अगर काउंट और मोर्टिलिटी बॉर्डर लाइन है देन यू कैन ऑप्ट फॉर IUI. सेकेंड थिंग इज आपकी एज कितनी है. आपका AMH ऑलरेडी लोअर साइड पे है, सो अगर सपोज आपकी एज अप्रोचिंग 35 है और आपका AMH लोअर साइड पे है देन यू मे नॉट डिसाइड टू वेट फॉर टू लॉन्ग. यू कैन टेक योर कॉल, यू कैन डू एटलीस्ट वन IUI साइकिल. ठीक है, कई बार कुछ अनएक्सप्लेन फैक्टर्स होते हैं जो IUI के साथ ओवरकम हो जाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिसाइड कीजिए. एक IUI साइकिल लेने में हार्म नहीं है. इतना डिसीजन, इतना एक या दो महीना तो हम डिसीजन लेने में लगा देते हैं, है ना. अगर हम IVF भी करेंगे तो हमने आज डिसाइड किया तो हम ये आज से स्टार्ट नहीं करेंगे. वी मे डू सम, यू कैन यूज दिस IUI साइकिल टू मॉनिटर योर साइकिल कि आपकी साइकिल में आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, लाइनिंग कैसे बनती है, आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, एज वेल एज डू एन IUI. सो एक या दो साइकिल मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डिसीजन बेस करेगा एज पे, सिमन पैरामीटर पे, और नंबर थ्री आपके लेवल ऑफ स्ट्रेस पे. अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और आप बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो जिंदगी इसी के अराउंड घूम रही है, तो डोंट वेस्ट टाइम, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा एग भी बहुत अच्छा है, स्पर्म भी बहुत अच्छा है, बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द एम्ब्रियो. सो इट इज बेटर टू टेक अ कॉल, बट डोंट गेट सो मच हैसल्ड बाय दैट. IUI इज अ सिंपल प्रोसीजर. 33 एज है, 1.9 है, यू कैन सिंपली ऑप्ट फॉर गोइंग फॉर वन IUI साइकिल, ताकि मन को ये ना रहे कि बाद में नहीं किया. गो फॉर वन IUI साइकिल, ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट साइकिल व्हाट हैपेंस, एंड देन प्रोसीड फॉर IVF. यू इफ यू आर प्रेग्नेंट इन दैट, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू. राइट, सो डॉक्टर निशा, नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम अ लेडी. हर एज इज 41 ईयर्स, हर THS लेवल इज 9. शी इज गोइंग टू स्टार्ट हर स्ट्यूमुलेशन. तो उसका ये पूछना है कि शुड आई वेट फॉर अ मंथ बिकॉज थायराइड लेवल्स आर ऑन द हायर साइड, या फिर ये थायराइड लेवल मेरी स्ट्यूमुलेशन को इम्पेक्ट नहीं करेंगे. अगर आप ऑलरेडी थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ आपका थायराइड लेवल इतना आया है, तो हम जरा सी डोज सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं, और डोज इंक्रीज करने के साथ आप स्टिमुलेशन के साथ जा सकते हो. ठीक है, बेटर होगा कि हम कंट्रोल करके ट्रांसफर बाद में करें. मतलब आप ये साइकिल स्टिमुलेशन कर लीजिए, एग्स और एम्ब्रियोज बना लीजिए, एम्ब्रियोज बना के रख दीजिए, उसके बाद में तब तक आपका कंट्रोल हो जाएगा लेवल, एंड देन यू कैन प्लान अ ट्रांसफर लेटर ऑन इन द नेक्स्ट साइकिल. सो दैट मीन्स स्टिमुलेशन के टाइम पे जो थायराइड के हायर लेवल्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे. स्पेशली इफ यू आर ऑन मेडिसिन, इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग सम मेडिसिन, शी इज टेकिंग मेडिसिन, सो देन यू कैन जस्ट इंक्रीज द डोज, एडजस्ट द डोज, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टिमुलेशन, सो देयर इज नो हार्म, यू कैन कंटिन्यू दैट. ओके, एंड देन लेटर ऑन यू कैन डू द ट्रांसफर लेटर ऑन व्हेन इट इज स्टेबल. राइट, एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन, वही अगेन कि इम्प्लांटेशन फेल हुआ बट डॉक्टर के पास कोई रीजन नहीं था. मैंने आपको इतने सारे रीजन बताए, है ना, मैंने आपको बहुत सारे रीजन बताए कि क्या रीजन हो सकता है. एग क्वालिटी में हो सकता है, और 3 एम्ब्रियो कौन से डे के थे, क्या वो डे 3 के एम्ब्रियो थे, क्या वो डे 5 के एम्ब्रियो थे, अगर वो डे 5 के थे तो ग्रेड कैसा था, लाइनिंग कैसी थी, वैस्कुलरिटी कैसी थी, क्या वो IVF था, सिमन पैरामीटर कैसा था, AMH कैसा था. सो द होल साइकिल नीड्स टू बी, स्टिमुलेशन में क्या यूज किया गया था, क्या हाई डोज मेडिसिन इंजेक्शन दिए गए थे, कौन से मेडिसिन इंजेक्शन दिए गए थे, वील हैव टू एनालाइज एवरीथिंग एंड देन टेक अ कॉल दैट व्हाट नीड्स टू बी डन. द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज दैट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डू वर्क ऑन योर बॉडी, डू वॉक, योगा, एक्सरसाइज, ट्राई अगेन. ओके, आई थिंक यही सबसे बड़ा, वी कैन से दैट इट्स अ मंत्रा कि डोंट लूज होप. डॉक्टर निशा, मेल पैरामीटर, माय एक्सपीरियंस, आई हैव सीन पेशेंट्स जहां पे मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं कैसे होगा इनका, आई यूज्ड टू फील बैड, बट देन दे आर प्रेग्नेंट नाउ, बट विद देयर ओन दिस थिंग, बट बाय देयर ओन, आई वुड से मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, उनका अपना, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी बस. So she's saying it was high dose medicines. And which day embryo? Day 3, day 5? Day 3 the or day 5 the? If you are in the session, please let us know ki embryos ki grading kya thi. And if you I would suggest, beta, if it was a high dose stimulation, go for a minimal stimulation. Take right. The embryo to day 5. Plan a hysteroscopy before transfer. And then get a transfer done of a blastocyst. Right.
और अगर डॉक्टर निशा ब्लास्टोसिस्ट नहीं बने देन? तो देखिए, अगर ब्लास्टोसिस्ट, ये ज्यादातर यही होता है कि डे टू डे थ्री ट्रांसफर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि हम फेस नहीं कर सकते कि भाई यहाँ ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना। अगर आपका नहीं, ब्लास्टोसिस्ट एक साइकिल में नहीं बना है तो आई वुड सजेस्ट टू वर्क ऑन योर बॉडी, ट्राई इट वन मोर टाइम। अगर हमने 2 बार किया और दोनों बार ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना तो ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ रीजन है, क्या स्पर्म में रीजन है या एग में रीजन है। देन यू माइट नीड टू थिंक ऑफ लाइक यू नो अदर ऑप्शंस। सो हिमानी, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर अ ब्लास्टोसिस्ट दिस टाइम, डोंट डू अ डे थ्री ट्रांसफर, गो फॉर अ ब्लास्टोसिस्ट। डॉक्टर निशा, एट टाइम्स वी हैव सीन के ब्लास्टोसिस्ट से प्रेगनेंसी नहीं हुई, डे 3 से हुई, एंड बहुत बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बिकॉज रिसेंटली वी हैव वन केस जहां पे उन्होंने बोला कि डॉक्टर, हाँ जी प्लीज। हर केस, हर एग अलग है, हर स्पर्म अलग है, हर एम्ब्रियो अलग है, ठीक है। सो आप अगर डे थ्री ट्रांसफर कर रहे हो और आपका ये एम्ब्रियो, हो सकता है कि आप इसको डे 5, ये डे 3 एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बना है तभी उसने प्रेगनेंसी दी है, ठीक है। इस ग्रुप आपको पता नहीं है कि ये ब्लास्टोसिस्ट बना है क्योंकि आपने डे 3 पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये ब्लास्टोसिस्ट बना है, बन के हैच हुआ है तभी उसने प्रेगनेंसी दी है, ठीक है। सो अगर आपका, कई बार ऐसा होता है कि लैब में कुछ इश्यूज होते हैं, सारी लैब आपको डे 5 तक ब्लास्टोसिस्ट जाने के लिए लैब शुड बी वेरी वेरी गुड। कई बार लैब के एनवायरनमेंट ठीक नहीं होती या कुछ नहीं होता तो आपका वो एम्ब्रियो ब्लास्ट लैब में नहीं बन पाता, बट देन दे सजेस्ट के ओके फाइन डे 3। बट डे 3 भी करने में कोई हार्म नहीं है, ओनली थिंग इज दैट अगर आपका डे 3 में, आपने डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया तो आपको ये पता कभी भी नहीं चलेगा कि वो ब्लास्टोसिस्ट बन पाया था, बनने के बाद यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए इम्प्लांट नहीं हुआ, या वो ब्लास्टोसिस्ट बन ही नहीं पाया इसलिए इम्प्लांट नहीं हुआ। टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम, वेयर वाज द प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक इट टू डे 5 ब्लास्टोसिस्ट। एंड डॉक्टर निशा, व्हाट इज योर टेक ऑन सक्सेसिव स्टिमुलेशन साइकिल्स? बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि एम्ब्रियो पूलिंग करनी पड़ती है, एंड एवरी मंथ, और वी कैन से दैट एवरी ऑल्टरनेट मंथ द लेडी इज अंडरगोइंग द स्ट्यूमुलेशन. सो वॉट इज योर टेक? वी रियली वॉन्ट योर स्पेशल एडवाइज ऑन सच केसेस, प्लीज. So if we are doing a natural cycle, that means that nature is already selecting the best egg and we are just picking it. We are not giving any more hormones or something. Then it can be done successive cycles. But if you have been pushed with high doses of medicine and injection, that means your body has been pushed to perform. So you have already been pushed to perform. So अभी अगर suppose एक already exhausted है, एक घोड़ा गाड़ी, अगर हम सोचे घोड़ा ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और हम उसको मारे जा रहे हैं तो देन दैट डजंट गिव अस दिस थिंग। बिल्कुल सिंपल लेमेन टर्म में आई वुड से दैट द बॉडी इज एग्जॉस्टेड। सो इफ यू हैव रिसीव्ड हाई डोज ऑफ मेडिसिन इंजेक्शन, टेक अ ब्रेक। इफ यू हैव, इट इज अ नेचुरल साइकिल और अ टैबलेट ओनली क्लोमिड साइकिल, देन यू कैन डू सक्सेसिव और ऑल्टरनेट साइकिल विद मिनिमल स्टिमुलेशन। देर इज अ फिनोमिना कॉल्ड ड्यूअल स्टिमुलेशन, वेयर यू आर डूइंग टू स्टिमुलेशंस इन वन साइकिल। देन व्हाट यू डू इज, डू यू डू टू स्टिमुलेशन इन वन साइकिल, यू डू पुलिंग एंड देन गिव अ ब्रेक एंड देन अगेन इफ नीडेड स्टिमुलेट द पेशेंट। ओके, सो आई वुड से नेचुरल साइकिल, मिनिमल स्टिमुलेशन और विद क्लोमिड ओनली यू कैन डू सक्सेसिव, बट इफ इट इज अ हाई डोज स्टिमुलेशन देन प्रेफरेबली गिव अ ब्रेक। राइट, एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर बॉडी बॉडी पैरामीटर्स अगेन एंड एएमएच एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर निशा, कितने साइकिल के स्टिमुलेशन हम दे सकते हैं? लाइक 3 साइकिल, 4 साइकिल, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम? अगेन डिपेंड्स अपॉन एज, नंबर वन। इफ इट इज लाइक अ 41-year-old एंड यू हैव डन 2 स्टिमुलेशन एंड यू आर नॉट गॉट गुड एम्ब्रियोस, मे बी इट्स टाइम टू ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स। बट इफ इट इज अ 34-35-year-old, यू स्टिल हैव टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिजायर ऑफ द पेशेंट, व्हाट द पेशेंट वॉन्ट्स। सो इफ इट इज अ यंग पेशेंट who wants another, so give a break and then improve your lifestyle, improve again, walk, yoga, exercise, then try one more time, 2 more time. So there is no set this thing, but again I would say that if it is a high dose stimulation, maybe 4 or 5 cycles is more than enough. But if it is a natural cycle or a minimal stimulation, you can keep doing. Patients have been doing it 8, 9, 10 cycles also. राइट, बिकॉज बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन. राइट,
So we have another query. Hello, doctor. Two failed IVF cycles with AA grade D, day 5, two embryos each. What could be the reason? In hysteroscopy and PAMP came out to be positive. Can it be genital TB stopping implantation failure? So you need to check for culture. The only test we have for tuberculosis is culture of the endometrium. Right. So if it is, people are giving, presumptive TB treatment also. So I would suggest then now you need to go for ERA test. You do ERA test. You find out if the lining is beautiful, triple line, and the blood flow is also very good. Get a 3D mapping done. If the blood flow is very good, go for ERA test. Get the ERA test done and then create another set of embryos. Again, also it is, sometimes this AA grading is also subjective. जो ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग होती है उसमें थ्री नंबर्स होते हैं. इट इज अ गार्डनर ग्रेडिंग विच वी यूज. इट्स अ फर्स्ट इज अ न्यूमेरिकल, देन देर इज अ अल्फाबेट, देन देर इज अ लेटर. सो इट इज, इट हैज टू बी 5A और 4A और 3A. सो वट वॉज इट? वॉज इट अ 5A ब्लास्ट? इफ इट वॉज अ 5A ब्लास्ट, देन यू नीड टू फाइंड आउट दैट यू नीड टू चेक द यूट्रस बाय डूइंग अ एरा टेस्ट, एंड ऑल्सो यू माइट ऑप्ट फॉर PGS. Genetic screening of the embryos. If there is some aneuploidy in the embryos, you can go for, if your AMH is low, you may need to opt for a donor cycle in that. Okay. So all these things you have to find out. We can say that information हमारे पास है, but again information को सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी. Each human being is different. किसी का किसी से fingerprint भी नहीं मिलता. Right. So how can we match the protocols? Yes. Bilkul. And Dr. Nisha, at times, particularly when we are doing IVF, jab embryo transfer pe hum ja rahe hain, to bahut sare cases aise hain jisme chemical pregnancy ho jati hai. So what could be the reason for that? Again, could be embryo. You need to try one more time. You need to see what was the stimulation protocol, what was the medication used, what was the AMH, what was the AFC, then check the uterus, that whether the uterus is fine or not, then check the endometrium, maybe do a natural cycle transfer. Maybe you know that even if you have a day 5 blastocyst, even in the best of labs, the euploidy rate in a blastocyst is around 36 to 40% only. Matlab, अगर मैंने एक पेशेंट का बहुत अच्छा स्टिमुलेशन करके बहुत अच्छे एम्ब्रियोज बनाए हैं और वो सारे एम्ब्रियोज मुझे डे 5 के बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो भी अगर मैं उसको पीजीएस की टेस्टिंग के लिए भेजूंगी तो उसमें से अगर 10 एम्ब्रियोज हैं तो उसमें से कोई 4 या 5 ही होंगे जो यूप्लॉइड होंगे, 4-5 एन्यूप्लॉइड होंगे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट, दैट यू नीड टू डू अ पीजीएस टेस्टिंग फॉर दीज एम्ब्रियोज. Just try. If you have embryos, you can try one more cycle. If you can, if you want to have the ultimate result without trying again and again, do the PGS and do a good embryos, euploid embryo transfer. All over Europe, there is a transfer of single SET, single embryo transfer, single euploid embryo transfer is the norm. Right. And we have one more query. I'll read it out. Ma'am, my 4th IVF also failed as the growth stopped after even getting heartbeat at 7th week ultrasound. What could be the reason? Two grade blastocysts were transferred. Beta, so, if you want to find out the reason, there is a list of tests. You need to go for immunotherapy, you need to go for PGS, you need to go for testing of the embryos. लेकिन अगर ऐसे केसेस में आपका रिपीट इम्प्लांट, रिपीट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और उसके बाद नेगेटिव आ रहा है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज, नंबर 1 इम्यूनोथेरेपी, नंबर 2 इफ यू आर ओके विद दैट, जस्ट चेंज द गिमिट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट सब कुछ करने के बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, सेम सेट ऑफ एम्ब्रियोज, बिकॉज साइंस कैन ओनली टेस्ट व्हाट वी नो. जो हमें पता ही नहीं है हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे? कई जेनेटिक पेशेंट्स होते हैं जो अब तक की जेनेटिस्ट को भी नहीं पता होते. सो द बेस्ट सॉल्यूशन इफ यू आर ओके विद दैट इज टू जस्ट ऑप्ट फॉर अ डोनर एग और अ डोनर एम्ब्रियो एंड देन प्लान अ ट्रांसफर इनसाइड. दैट इज माय ओपिनियन. इट्स नॉट इट, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट. राइट, बिकॉज़ डोनर साइकिल इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग एंड
Obviously, we cannot force anyone to opt for this. But if you are, see the trauma of going through this again and again. So ultimately, you want to put an end to it. Having a baby is not your whole life. It's just a part of your life. Okay? She's again asking doctor, if cervix has some redness, that then it may causes implantation failure. Himani, certain amount of redness is part of anatomy of cervix. Okay? But if you are talking about inflammation, that there was some sort of discharge or something. So usually what we do is that before planning a transfer, we take a, like, you know, during the investigating process, we take a cervical swab. We take a high cervical swab and send it for culture. So we know that whether there is some inflammation or not. And usually we give antibiotic cover also during the transfer. So a simple, some redness may not be the reason. There has to be something else also. We have another query. Let me take this. Ma'am, thank you so much for the session. वो हम हमेशा डॉक्टर निशा को बोलते हैं. एंड डॉक्टर निशा, आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए. आप बहुत देर बाद आए हो इस बार हमारे सेशन में. What does low NK cell means and how will it impact embryo growth after implantation? So, beta, this is again related to immunotherapy. There is this postulation that no, low natural killer cell would just lead to rejection of the embryo. So, there were people doing LIT therapy also, that is lymphocyte immunotherapy, taking husband's lymphocyte, transferring it to. But these all things have, you know, done various. This is something which is still experimental. There is no 100%. Guarantee or this thing success guaranteed with this. What we can do is that we can provide you some sort of immunotherapy in which the basic thing is giving you an intralipid infusion and giving you a immunoglobulin infusion that decreases the chances of rejection of the embryo graft. Okay, so that you can opt for. But honestly speaking, nobody is 100% sure that how it affects the implantation. Mm-hmm. And people have done that, still it has resulted in failures. Right. So, Dr. Nisha, aapne kiya kabhi ye lit therapy ab tak? Immunotherapy, lit I have not done. Lit I don't believe in, but I believe in immunotherapy. I have seen patients who have done repeated immunotherapy is more effective in cases of repeat pregnancy loss. It is less effective in case of implantation failure. So, if it is implantation failure, it has to be related to either embryo or the error test. Repeated pregnancy loss, where the pregnancy is happening, but it is losing at 7 weeks or the cardiac activity is not appearing. In those cases, we have given immunoglobulins as well as Bharglobe and intralipid therapy. And it has resulted in successful pregnancy till term. Okay. So, the difference lies in the treatment, we can say. एंड आजकल जो डॉक्टर निशा बहुत सारे केसेस हैं जिसको देखो बात करता है ऑटो इम्यून का केस है. आई थिंक शायद साल पहले हमने इसके बारे में सुना भी नहीं था, बट अब हर दूसरी लेडी इस बारे में बात करती है. तो व्हाट यू सजेस्ट, व्हाई दीज नंबर्स आर ग्रोइंग, इज देयर समथिंग इनसाइड आवर बॉडी? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, आई एम अ बिट ऑफ अ नेचुरोपैथ, लाइक आई बिलीव इन नेचुरोपैथी मोर देन एलोपैथी. I believe allopathy is a very good thing for your, you know, acute disorders like heart attack hua hai, aapko koi surgery karna hai, ya accident hai, ya brain injury hai, then allopathy is very good for that. But to some extent, chronic diseases, allopathy is not that effective. The problem lies somewhere in our lifestyle. The problem lies somewhere in our eating habits, somewhere in our schedule, daily schedule. So, I believe infertility is a chronic disorder. It has something to do with your body, your immune system, your fertility, your immune potential, your inside, how strong you are, how, you know, I believe that if you treat your natural immunity, fertility will be enhanced. So I believe that autoimmune is also related to your eating habits,
स्लीपिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स, सो यू बिलीव अ लिटिल बिट इन योगा एंड आयुर्वेदिक फॉर दैट. ईट राइट, ईट हेल्दी, डोंट टेक जंक फूड. डोंट, पहले कैसा होता था हमारे घरों में, कुछ होता था कि ये खाना है तो इसके साथ ये नहीं खाना. फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब ठंडा गर्म नहीं कंबाइन करते थे, आप दूध मतलब नींबू जैसे कुछ चीज खा, खरबूजे पे पानी नहीं पीना, मूंगफली पे. तो ये सारी चीजें आपके बॉडी के इम्यूनिटी को, आपकी गट को ठीक रखती हैं. और अगर आपकी गट ठीक रहती है, आई बिलीव आपकी बॉडी पूरी ठीक रहती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. सो आई बिलीव इनफर्टिलिटी का जो ओरिजिन है समवेयर वो हमारे ईटिंग हैबिट्स में है. बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर जाते हैं अगर वो ये सब कुछ ठीक करते हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट इम्प्रूव योर फर्टिलिटी पोटेंशियल, इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स, इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल. ऐसे मत बोलो कि खाएंगे तो हम वही, हम जंक तो खाएंगे लेकिन हम एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, बस आप प्रेग्नेंट कर दो, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी. बिल्कुल, और आज से ही शुरू कीजिए क्योंकि डॉक्टर निशा ने आपको बोल दिया. बिल्कुल ठीक. सो डॉक्टर, वी हैव वन मोर क्वेरी. ट्रांसफर वाज ऑन 21st, टुडे हैड डर्टी ब्राउन डिस्चार्ज. एनीथिंग टू वरी? व्हाट डू आई डू? आई एम शिवरिंग विद फियर. ओह नो नो नो, डोंट वरी. फियर इज द वर्स्ट थिंग. डरोगे तो बिल्कुल गड़बड़ होगा. दिस इज कॉल्ड समटाइम्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग. सो इम्प्लांटेशन में भी जब 21st को हुआ था और आज अभी 29th है, 8 ही दिन हुए, तो समटाइम्स अ लिटिल बिट ब्राउनिश डिस्चार्ज. जस्ट कंटिन्यू योर मेडिसिन, डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट वेट, हैव फेथ, हैव बिलीव इन योर डॉक्टर, वेट टिल द रिजल्ट इज देयर. ऑन 10th डे यू कैन डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट एंड लेट्स होप, आई होप दैट इट विल बी पॉजिटिव. बिल्कुल. एंड डॉक्टर, वन मोर क्वेरी वी हैव, दैट आफ्टर ट्रांसफर शी हैड फीवर. So what medicine she should take? So fever is defined by, usually after transfer the medication we take naturally, अगर कुछ भी हमें बनाना होता है, आपने देखा अगर मुर्गी भी अंडे पे बैठती है तो उसको गर्म रखती है तभी उसमें से बेबी निकलता है. सो नेचुरल भी अगर आपकी बॉडी इज सपोज टू बी वॉर्म, इट हैज टू बी वॉर्म टू क्रिएट द, टू कीप द एम्ब्रियो सेफ इनसाइड फॉर इम्प्लांटेशन टू हैपन. सो जो मेडिसिन हम देते हैं, जो इंजेक्शन हम देते हैं, जैसे सस्टेन हम देते हैं, प्योरजेस्ट हम देते हैं, वो सारी चीजें आपके बॉडी के टेम्परेचर को लिटिल बिट रेज्ड रखती हैं. दैट इज नॉट टेम्परेचर, दैट इज नॉट फीवर, दैट इज जस्ट नॉर्मल वार्मिंग अप ऑफ बॉडी. सो एनी टेम्परेचर विच इज लेस देन 100 इज ओके. ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. एनी टेम्परेचर विच इज लेस देन इज ओके, उसमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है. और अगर मान लीजिए ज्यादा हो तो व्हाट मेडिसिन? क्रोसिन, सिंपल पैरासिटामोल. यू कैन टेक सिंपल पैरासिटामोल. ओके, सो शी इज सेइंग कि समवन सजेस्टेड मी टू टेक डोलो. डोलो इज कॉम्बिफ्लेम व्हिच कॉजेस मोर एसिडिटी, सो यू कैन जस्ट टेक क्रोसिन एंड नथिंग एल्स. ओके, आई थिंक शी इज इन द सेशन, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाट मेडिसिन यू आर टेकिंग. हाँ, प्लेन पैरासिटामोल. और बेस्ट इज के लोगों से एडवाइस लेने से अच्छा है आप प्लीज अपने डॉक्टर को कॉल कर लीजिए. शी विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू. एंड डॉक्टर निशा, ये यूजली हमने देखा है कि बिल्कुल बहुत सारे लोगों का ये मानना है व्हेन दे आर यूजिंग वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन, सो थोड़ा डिस्चार्ज है, तो वो डिस्चार्ज नॉर्मल है कि कुछ? सी, प्रोजेस्टेरोन वजाइना इज अ ब्लाइंड पाउच. वजाइना कोई कैनाल नहीं है कि जिसके अंदर हमने डाला और अंदर एब्जॉर्ब हो गया. तो वजाइना एक ब्लाइंड पाउच है. जब आप मेडिसिन डालते हो तो मेडिसिन घुल के उसके अंदर, सम गेट्स एब्जॉर्ब वाया द यू नो वजाइनल ब्लड सप्लाई, थ्रू द ब्लड सप्लाई. जैसे एक नमक के सॉल्ट पे के थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता है, वैसे मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाता है. बाकी डिस्चार्ज थोड़ा सा बाहर आता है, नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, सो यूजली पीपल से इज की नहीं वो बाहर आ गया तो मेडिसिन तो नहीं कहीं बाहर आ गई हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं. बट यू टेक प्रिकॉशन टू पुट इट डीप इनसाइड. कई बार बहुत सारा रेजिड्यू इकट्ठा हो जाता है अंदर, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सपोजिटरी यूज अ जेल. जेल प्रिपरेशन इज बेटर. सो इज इट पॉसिबल कि हम उसको वजाइना के माउथ को लाइट टिश्यू या कॉटन से, कैन वी क्लीन दैट पोर्शन? यू कैन. ओके, बिकॉज यूजली पीपल से इसकी वहां से कुछ हमें ऐसे फील होता है कि समथिंग इज डिपॉजिटेड, इट गेट्स डिपॉजिटेड, इट क्रिएट्स इनसाइड, सो यू कैन रिमूव. ओके, आई थिंक वेजाइनल इज न्यू थिंग, बिकॉज जब तक हम ट्रीटमेंट में थे तो सिर्फ इंजेक्शन से काम चलता था.
विजाइनल इज बेस्ट बिकॉज इट गेट्स एब्जॉर्ब वेरी वेल, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सपोजिटरी यू इंस्टेड ऑफ यूजिंग विजाइनल पेस्ट्री यूज जेल, विजाइनल जेल्स आर मच बेटर नाउ, तो इवन ट्रांसडर्मल आर कमिंग. ग्रेट, सो हम कह सकते हैं साइंस ने सच में एडवांसमेंट हो गई है. आई थिंक वी क्लियर्ड द क्वेश्चंस एंड मेरे पास भी राइट. बट व्यूअर्स, अगर हमारा कुछ मिस हुआ, हम आपके क्वेश्चंस लेने रह गए और यू जस्ट वांट टू कनेक्ट विद डॉक्टर निशा, प्लीज लेट अस नो. डॉक्टर निशा इज ऑलवेज अवेलेबल. हमने जब भी डॉक्टर निशा को मैसेज किया या कॉल किया, तो मैं सच में कहूंगी डॉक्टर निशा यू आर द क्विकेस्ट डॉक्टर टू गिव अस रिस्पॉन्स. सो इट्स रियली नाइस ऑफ यू. एंड आज आपने इतना टाइम निकाला है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, और अगर हम अभी भी चाहते तो वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक टू टॉक टू यू पूर्णिमा एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड सेम गीतांजलि. आई थिंक फर्टिलिटी दोस्त इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब giving platform to the patient, giving them right information when everybody is like, you know, confused. So all applause to you. You are really doing a wonderful job. And all those fertility yoga and fertility massages, I am a big fan of that. I believe that that does change the outcome. Okay. And thank you, Shield Care, for giving us this platform. Thank you so much. Thank you, ma'am. And please, jaldi jaldi aaye. Is baar bahut lamba gap tha. Bye. Thank you. Have a nice day. Bye. You too.